हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत चुग, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, आपके लिए लेकर आई हूँ बैंकिंग अवेयरनेस पर कुछ जानकारी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, बैंकिंग में कुछ टर्म्स ऐसी यूज़ होती हैं जो आम आदमी की नॉलेज में नहीं होती हैं और अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यू में आपसे इनके बारे में पूछा जाता है। तो मैं आज सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी दो टर्म्स के बारे में। नंबर वन कासा और सेकंड है हाइब्रिड अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, कासा एंड हाइब्रिड अकाउंट्स के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि बैंकिंग में बेसिकली जो अकाउंट्स खोले जाते हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स, वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो बेसिक अकाउंट्स खोले जाते हैं बैंक में, वो चार टाइप के खोले जाते हैं। नंबर वन, सेविंग अकाउंट्स। नंबर टू, करेंट अकाउंट्स। नंबर थ्री, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स। एंड नंबर फोर, रेकरिंग अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि ये टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स हैं और बेसिकली बैंक्स में ये फोर टाइप्स के अकाउंट्स खोले जाते हैं। अब इनको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट होता है बैंक में, उसको हम ये नाम दे देते हैं कासा। तो डिटेल में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सेविंग अकाउंट जो हैं वो इंडिविजुअल्स खोलते हैं अपनी छोटी छोटी बचत को अकाउंट्स में जमा करने के लिए, और इस पर जो है बैंक एक कम रेट देते हैं, जैसे आज की डेट में 3 या 3.5% बैंक्स रेट दे रहे हैं। करंट अकाउंट में बैंक्स जो हैं वो कोई रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। करंट अकाउंट खोले जाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, और ये ज़रूरी नहीं कि ये इंडिविजुअल्स खोलें, कंपनी, फर्म्स और डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा जो भी हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए करंट अकाउंट खोलते हैं। करंट अकाउंट्स पर बैंक्स कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करते, तो इसलिए ये सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स, इन दोनों पर बैंकों की कॉस्ट कम आती है। अब इसको हम कंपैरेटिवली अगर समझें, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं, जो आप अपना अमाउंट एक टाइम के लिए बैंक में फिक्स रख देते हैं। इसी तरह रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स जो होते हैं, उसमें भी आप एक फिक्स टाइम के लिए अपना अकाउंट खोलते हैं, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसका फिक्स टाइम होता है। लेकिन रेकरिंग अकाउंट में हम अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं। तो ये जो दोनों अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, इनको हम टर्म डिपॉजिट्स में इंक्लूड करते हैं, और जो सेविंग करंट अकाउंट है, इनको मोस्टली हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। हालांकि चारों ही अकाउंट्स डिमांड डिपॉजिट होते हैं, और जो बैंकिंग का मेन फंक्शन है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, उसमें ये सब कवर होते हैं, और सारे ही अकाउंट्स पेबल ऑन डिमांड होते हैं। लेकिन बैंक में डिपॉजिट को लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट में डिवाइड करने के लिए इनको टर्म डिपॉजिट कह दिया जाता है, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट को, और सेविंग और करंट अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि फिक्स डिपॉजिट पर जो है वो रेट सेविंग से अधिक मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट पर आज की डेट में, और फिक्स और आरडी पर सेम रेट होता है। तो आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट पर जो बैंकिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, वो लगभग 7 से 7.5% है। तो ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि सेविंग के कंपैरेटिवली फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझना होगा कि ये जो डिपॉजिट बैंक में रखा जाता है पब्लिक के द्वारा, बैंक और उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है,
वो बैंक की लाइबिलिटी है डिपॉजिट, और उस पर बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो बैंक की कॉस्ट बन जाता है। तो अगर हम सेविंग और करंट अकाउंट देखें, करंट अकाउंट जिसमें कि हमें रेट पे करना ही नहीं होता, और सेविंग जिसमें कि हम मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, तो दोनों को मिलाकर एक टर्म बन जाती है सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट मीन्स कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि कासा इम्पोर्टेंट क्यों है। जो मेनली हमें क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, वो ये पूछा जाता है व्हाई कासा इज इम्पोर्टेंट फॉर बैंक्स। तो आपको मेरी बात से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इन दोनों पर बैंक की कॉस्ट कम आती है कंपैरेटिवली फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के, तो बैंक कासा में डिपॉजिट को प्रेफर करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन कि कासा क्या है और कासा इम्पोर्टेंट क्यों है बैंक के लिए, बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ये चार हमारे बेसिक अकाउंट्स थे, लेकिन आज अभी कुछ 2-3 साल पहले से एक नई टर्म आ गई है, हाइब्रिड अकाउंट्स। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हाइब्रिड अकाउंट, और इसका एक और नाम है फ्लेक्सी अकाउंट, इसको हम फ्लेक्सी अकाउंट भी कह सकते हैं। फ्लेक्सी अकाउंट जो हैं वो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का फिक्स डिपॉजिट के साथ कॉम्बिनेशन है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आप जो भी बैलेंस रखते हैं, मान लीजिए आपने 2 लाख सेविंग में रखा, तो आपको 2 लाख के ऊपर जो भी बैंक का प्रेफर रेट होगा, जो आजकल 3.5% है जैसे, तो 3.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। करेंट अकाउंट में आप पैसा रखेंगे तो आपको उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं होगा, लेकिन कस्टमर का बेनिफिट क्या है कि मुझे अगर मैं बैंक में पैसा रखूं तो मुझे फिक्स डिपॉजिट वाला रेट मिले। तो कस्टमर्स की इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक नई टर्म बनाई गई जिसको हम स्वीप अकाउंट भी कहते हैं, या हाइब्रिड अकाउंट, और उसको फ्लेक्सी अकाउंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली अकाउंट आप सेविंग या करंट में ही खोलते हैं, लेकिन आप बैंक को ये बोल देते हैं कि मेरा स्वीप अकाउंट कर दीजिए या मेरा हाइब्रिड अकाउंट खोलिए। तो उसमें क्या होगा कि बैंक ने जो एक प्रेस्क्राइब मिनिमम अमाउंट रखा होगा, जैसे मान लीजिए उन्होंने 25,000 रखा हुआ है, तो 25,000 के ऊपर अगर आपने उसमें 2 लाख जमा किया हुआ है, तो 25,000 अमाउंट के ऊपर का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। अब फिक्स डिपॉजिट में जब अमाउंट जाएगा तो उस पर आपको फिक्स डिपॉजिट वाला रेट ही मिलेगा। और इसका बेनिफिट क्या है, ये नई टर्म है और बहुत ही अच्छा अकाउंट है। इसकी क्वालिटीज और भी है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि स्पेशली आप अगर अपना डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और करेंट अकाउंट सेपरेट रखते हैं, तो आपको अगर कोई चेक काटा आपने और आपको मान लीजिए उसमें आपका बैलेंस कम है, तो आप बैंक के पास स्पेशली अपनी फिक्स डिपॉजिट लेकर जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे कैंसिल करके ये मेरा पैसा इसमें या इसमें डाल दिया जाए ताकि मेरा चेक पास हो जाए। लेकिन जब आप हाइब्रिड अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको बार बार ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंक में ऑटोमेटिकली जो पैसा आपका फिक्स डिपॉजिट में चला गया है वो चेक प्रेजेंट होने पर इस अकाउंट में आ जाएगा, और चेक पास होने के बाद जो भी उसका निर्धारित अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 25,000 मिनिमम अमाउंट है, अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट अकाउंट में पड़ा हुआ है तो शाम को उनके डे एंड के टाइम, बैंक का जब सारी कार्यविधि समाप्त होती है, उनका जो डे एंड होता है, उस टाइम आपके अकाउंट से बैलेंस ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। तो कस्टमर के लिए बहुत ही लाभकारी अकाउंट है, इसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये लेटेस्ट टर्म है। तो आपको इंटरव्यू में जब भी पूछा जाएगा हाइब्रिड अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट या स्वीप अकाउंट, इस तरह से जो भी नाम आपको दिया जाएगा, तो आपका उसका मीनिंग यही है कि ऐसा अकाउंट जिसमें सेविंग और फिक्स डिपॉजिट का कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होगी होंगी,
और मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी जानकारी आपको दे रही हूँ आपको पसंद आ रही होगी और आप मेरी अगली वीडियो भी इस पर देखना चाहेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस पर। तो आप सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।